नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। करंट अफेयर्स का ये 10th अगस्त का वीडियो और आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अगर हम लोग करते हैं तो चीज़ें हमें याद रहती है और लास्ट में जब हम रिवाइज करते हैं तो फटाफट वही चीज़ें सामने आती हैं। अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आप लोग को ईजिली डेली वीडियोज़ मिलती रहें और आपका कुछ मिस ना हो। आज का 10th अगस्त का ये वीडियो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। इसमें अगर देखा जाए तो आज मानसून सेशन समाप्त हुआ जिसमें कि ट्रिपल तलाक का जो बिल जो लोकसभा से पास हुआ था वो राज्यसभा में गिर गया। ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं, अगर पास होता तो इम्पोर्टेंस बनती। अभी आज हमारी कैबिनेट ने एक और पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है और वो है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, है ना, नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी 2018। जैव ईंधन क्या होता है, मतलब जैव ईंधन जो ऑर्गेनिक चीज़ों से जो ईंधन तैयार हो जाए ना, जैविक चीज़ों से जो फ्यूल तैयार होता है उसके लिए क्या पॉलिसी बनाई जाए। पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है और इसका रीज़न है कि जितना ज़्यादा बायोफ्यूल है ना, जैव ईंधन यूज़ होगा उतना ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पे कम होगी। जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोलियम, कोल है ना, इस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं, गैसोलीन, तो इसके लिए एक नई नीति बनाई गई है नए समय के साथ और इसके लक्ष्य क्या रखे गए हैं कि 2030 तक हमें अपने गैसोलीन प्रोडक्ट में 20% इथेनॉल को मिश्रण को गैसोलीन में इथेनॉल के मिश्रण को 20% तक ले जाना है, जो वर्तमान में 5-10% के बीच में है। उसके साथ डीजल में बायोडीजल को मिक्स करना है और इसको लेके जाना है 10% तक। ठीक है, तो बायोडीजल और इथेनॉल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करके और उसको पेट्रोलियम पदार्थ में मिक्स किया जाए, है ना, उसका मिश्रण किया जाए ताकि फॉसिल फ्यूल्स कम खर्च हो और ये ज़्यादा आए। इथेनॉल जो होता है इसको जब हम गन्ना बनाने के प्रोसेस में इसका इथेनॉल हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, शराब का जो निर्माण होता है उसमें भी बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको इथेनॉल मिलता है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि किन किन चीज़ों के किन किन दो इथेनॉल और बायोडीजल हमारे जो जैव ईंधन पॉलिसी है इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकते हैं सीधे सीधे, लक्ष्य पूछा जा सकता है और ये परसेंटेज पूछी जा सकती है। वर्तमान में हमारा जो अगर ईंधन के रूप में हम लोग कम्प्लीटली मैक्सिमम ज़्यादातर है ना 90% के अराउंड फॉसिल फ्यूल्स पे ही निर्भर हैं, जीवाश्म ईंधन पे, और हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन एक समय के बाद नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दूसरा, किस राज्य या किस क्षेत्र की हाई कोर्ट ने बैगिंग को, भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर खड़ कर दिया है। मतलब अगर आपको पता हो तो ज़्यादातर जगहों पर भीख मांगना अपराध होता है कानून रूप से, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। ठीक है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर करंट है और इसको आप लोग इजीली कर सकते हैं, किसी एग्जाम में आ सकता है। दूसरा, हाल ही में किस यूरोपियन कंट्री ने बुर्का या किसी भी तरह से मुंह ढकने वाले किसी भी परिधान को, है ना, कपड़े को, वस्त्र को बैन कर दिया गया है वियर करना उस देश में, और वो देश है डेनमार्क। कौन है डेनमार्क? डेनमार्क नॉर्दर्न यूरोप का देश है, स्कैंडिनेविया के देशों में शुमार होता है वो, और बहुत ही लिबरल देश माना जाता है इसको, और इसलिए इस तरह की चीज़ों को जो कि आप लोग देखेंगे कि कुछ समय पहले डेनमार्क में लास्ट ईयर कुछ टेररिस्ट अटैक भी हुए थे, है ना, तो इस तरह की घटनाएं ना हो या कोई भी ह्यूमन को थ्रेट ना हो इसके लिए इस टाइप की चीज़ों को बैन किया गया है जो किसी की आइडेंटिटी को बंद या क्लोज करती हो। नेक्स्ट, PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये योजना जो 25 दिसंबर सन 2000 को लागू हुई थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में, और इस योजना का लक्ष्य था कि हर गांव को, जिस गांव की आबादी 500 या उससे अधिक है उसको सड़कों से जोड़ा जा सके। ठीक है ना, और इस योजना को चलाने के लिए हम लोग फ्यूल पे 0.75% की का सेस भी देते हैं, 0.75 पैसा का, 75 पैसे का सेस भी लगता है। ये स्कीम 2019 तक इसको कार्य करना था, सरकार ने पहले इसकी लिमिट एक्सटेंड की थी कि 2019 तक अपने कार्य करेगी और जो इसके लक्ष्य हैं उसको 2019 तक अचीव करेगी, जिसको अब बढ़ा के 2022 तक कर दिया। तो मतलब क्या, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक्सटेंशन हो गया है सन 2022 तक। देखिए, इस गवर्नमेंट की जब भी कोई डिटेल आए ना, कोई लक्ष्य देखे, तो 2022 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, इस साल में काफ़ी चीज़ें हैं ना लक्षित, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को हुआ था, उसकी 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तब से क्वेश्चन आ सकता है कि किस आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई है, या इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। 1942 में स्टार्ट हुआ था,
ठीक है, और इसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। भारत के इतिहास में सबसे सशक्त आंदोलन था जिसने मजबूर कर दिया अंग्रेजों को कि भारत का संविधान बनाने के लिए बाध्य किया, जिसमें बड़े पैमाने पे लोग अरेस्ट हुए थे, गांधी जी अरेस्ट हुए थे, जिनको कि आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन कभी भी लिंक होकर बन सकता है। इसमें कौन सा नारा दिया गया था करो और मरो का, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो मरो का नारा जो कि गांधी जी ने दिया था और यूसुफ मेहर अली ने इसको लिखा था और गांधी जी ने इसका नारा बुलंद किया था। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद करने पड़ते हैं। जब कभी चीज़ें रिवॉल्व होकर आती हैं तो हमें समझ नहीं आता कि सब्जेक्ट से था कि करंट से था, कहीं से भी आए क्वेश्चन सही होना चाहिए। नेक्स्ट है गूगल की पेरेंट कंपनी है, मतलब गूगल की मुख्य कंपनी है अल्फाबेट, उसने अभी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नया लॉन्च किया है। तो सिंपली ये कि गूगल का नया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो किट कैट या लॉलीपॉप है ना, इस तरह से नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इनका है पाई। क्या है पाई, गूगल का नया ऑपरेटिंग सिस्टम पाई, पी आई, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, लॉन्च हो गया है। हाल ही में मारुति सुजुकी के कार को, एक कार मॉडल को टोयोटा ने अडॉप्ट करने की बात कही है कि उनकी परचेस करेगी और वो एक वर्ष में 25,000 यूनिट वो खरीदेगी। तो मारुति की कौन सी गाड़ियां हैं जो टोयोटा यूज़ करेगी, अब नाम है टोयोटा कंपनी जापान की बहुत बड़ी कार कंपनी, वो मारुति सुजुकी की बेलेनो कार को खरीदेगी, ठीक है। अगर एक साल में 25,000 यूनिट मारुति सुजुकी बेलेनो सप्लाई करेगी टोयोटा को। नेक्स्ट एस गुरुमूर्ति, इनका एक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से बड़े इंपॉर्टेंट जुड़े हुए व्यक्ति हैं एस गुरुमूर्ति, और इनको हाल ही में आरबीआई में नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड में, ठीक है। आरबीआई में नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में, ठीक है, और इनका कार्यकाल होगा 4 वर्ष का। और इनको जो नियुक्त किया गया है वो आरबीआई के 1934 के एक्ट में 8A(c) धारा के अंतर्गत इनको ये नियुक्त किया गया। तो ये एस गुरुमूर्ति वाला क्वेश्चन आ सकता है, आरएसएस के से लिंक कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, है ना, समझ रहे बातों को। तो ज़्यादा कुछ करंट अफेयर नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। पॉसिबली अगर देखा जाए तो 8 से 9 क्वेश्चन इस बोर्ड से बन सकते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। थैंक यू।